आपकी बार छठ से छठी का दूध याद आ रहा है कि नहीं, पहले ये बोलिए। पूर्वांचली लोग जहां रहते हैं देश के राजनीति की दशा और दिशा बताए कुछ। इस राउंड में क्या लगता है, क्या एके जी ने जीते हैं? अनइंटरप्टेड 20 सेकेंड एके जी, आपसे शुरू करूंगा, क्या कहेंगे कीजिए? मेरी एक सलाह है केजरीवाल जी को, कमजोर आदमी है, छठ पे 5 बजे सुबह नहाना पड़ेगा जमुना जी में, बीमार हो जाएंगे, खांसी आने लगेगी, मफलर लगाएंगे, फिर इलाज के लिए विपसना चले जाएंगे, तब तक चुनाव हो जाएगा। तो उनसे निवेदन है, अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखिए। कभी आदमी नहाने वाला नहीं, गंगा नदी तालाब जानने वाला नहीं, आज वो छठ की बात कर रहा है। माय गॉड, एके जी ने ह्यूज आर्गुमेंट। आपसे पूछना चाहूंगा अजय जी, आप क्या कहना चाहेंगे? 20 सेकंड अनइंटरप्टेड एके जी ने छक्का मार दिया पहली बार। बात पूर्वांचलियों की और एके जी लेंगे इस चीज को। एके जी मुझे मत बताइए, बुरा मत मानिएगा, आज क्या बीजेपी को दिल्ली में पता है कि सत्ता मिलने से हालत खराब होने वाली है? और अरविंद केजरीवाल की जो फ्री 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 ऐसी कोई चीज नहीं छोड़ी जो फ्री नहीं की, तो आपको डर हो रहा है कि भैया वोट उधर चले जाएंगे? तो एक आपका जो वोटर था मनोज तिवारी के नाम पे कि पूर्वांचली आ सकता था, अब वो भी जा सकता है। इस कारण आप जो है जो मछली होती है ना उस तरीके से फटक रहे हैं। आप इसको लेंगे कि अजय जी इसको लेंगे? अरे हम भी पूर्वांचली हैं, हमें डर नहीं लगता, घबरा रहे के नहीं, हमारे पास धार्मिक आस्था है, हम धार्मिक आस्था लेके छठ माता की पूजा करते हैं। राजनीतिक आस्था, राजनीतिक नहीं। अजय जी आपने बोला राजनीतिकरण करेंगे, सीट पूर्वांचली सीट, आप कह रहे हैं अंधारी जी अपने आप को करेक्ट कीजिए। सुनिए, आपको बता रही है गुजरात सीट बना दीजिए, पहले पहले एक मिनट। पूर्वांचली लोग जहां रहते हैं देश के राजनीति की दशा और दिशा बताए कुछ। पूर्वांचली लोग जहां रहते हैं देश के राजनीति की दशा और दिशा बताए कुछ। मेडिटेशन अब इस खटकरे में प्रेम कुमार और एके जी आप आइए, प्रेम कुमार आप आइए और एके जी आइए। और आज अब क्विज होने वाला है, 16 मार्च 2019 की तारीख याद है प्रेम कुमार? एक सेकंड एके जी, प्रेम कुमार याद है क्या हुआ था 16 मार्च 2019 को? आप इतने पढ़े लिखे पत्रकार हैं, इतने ज्यादा 35,000 के फोन पे, हर दूसरे वेबसाइट पे आप चीज पढ़ते हैं, आज बताइए 16 मार्च 2019 को क्या हुआ? नहीं मुझे याद नहीं है। आपको याद है? नहीं नहीं, ये आप ही बता दीजिए। 16 मार्च 2019 को इलेक्शन कमीशन पे आरोप लगाया गया था आम आदमी पार्टी द्वारा कि पूर्वांचलियों का जो वोटर लिस्ट से नाम हटाया जा रहा है। बाद में जब इंक्वायरी हुई तो पता चला ये आरोप झूठा है। तो मैं आपसे यही पूछना चाहूंगा कि अगर सवाल तो सुनिए, सवाल ही नहीं पूछा तो पूछने के, मैं आपसे यही पूछना चाहूंगा और सवाल ये है कि अगर आप सच में आपका इंटेंशन सिर्फ वोट लेना नहीं है, अगर आपका सच में इंटेंशन करना दिल्ली की जनता का भला करना है, मेरे को लगता है स्कूल काम बहुत अच्छा हुआ है, तो फिर ये ऐसे जो चुनावी स्टेप्स लेके क्या मिलेगा? और आप मुझे बताइए, आज आप बोलिए कि ये जो किया जा रहा है पूर्वांचलियों के खिलाफ, जो पहले स्टेटमेंट दिया था वो गलत है, और आज आपको बोलना पड़ेगा प्रेम कुमार। मुझे पता है कि आपको पूर्वांचली वर्ड से चिड़ मचती है, पर आपको तब भी बोलना। देखिए वो स्टेटमेंट, उसका खंडन मैं उसी दिन कर चुका था, उस बात को यहाँ पर हुई डिबेट में मैंने गलत बताया था। आप खंडन करेंगे? आपकी बार छठ से छठी का दूध याद आ रहा है कि नहीं, पहले ये बोलिए। आपकी बार छठ पे छठी का दूध याद आ रहा है कि नहीं, पहले ये बोलिए। छठ पे, इस छठ के त्योहार पे छठी का दूध याद आ रहा है ना कि महिलाओं को फ्री राइड देना कहाँ से गलत? अरे पूर्वांचलियों को फ्री में बस कर दो यूपी बिहार भेजने के लिए, केवल दिल्ली में फ्री क्यों किया? तो बांटा जा रहा है, वो गलत है, वो वोट बैंक भेजने के लिए फ्री कर दो, कर्तियों के लिए कालीन बिछाए, चुनावी एजेंडा नहीं है, चीना मुश्किल हो गया है, गरीब कुपोषित हो रहा है। जो आदमी आज वो छठ मनाएगा सुबह 5 में लगी है आरोप प्रत्यारोप छठ को लेकर के, नल के पानी से आज सुबह 6 बजे नहाओगे? पूरे देश में जो अमीरों के लिए, मैं पूछना चाहता हूँ इस राउंड में क्या लगता है, क्या एके जी ने जीते हैं? बराबर है भाई, बराबर है। आज आप बताइए, अब सब कुछ समझ जाते हैं, मैं बात करूंगा दिल्ली में एक क्या काम हुआ है नहीं हुआ है, बताइए दिल्ली में क्या हुआ? मुझे कुछ नहीं याद है कि दिल्ली में कुछ काम हुआ है, केवल एक ही काम हो रहा है, इनको पता है फ्री में वोट नहीं मिलने वाले हैं, इसलिए सब कुछ दे दो, सब कुछ दे दो। अजय जी कांग्रेस कहाँ है?